एकदम बढ़िया फ्राइड राइस टेस्टी लग रही है, इसका खाने को बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो गाइस जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, हम जो आज बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं, और ये फ्राइड राइस में पड़ने वाले मटेरियल्स हैं जो आप देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्राइड राइस बनाना। तो हम इसमें आप ऑयल डाल रहे हैं, हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, हम अपने अकॉर्डिंग ऑयल डाल रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल डाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल को होने देते हैं। अब ऑयल हो चुका है, इसमें हम जीरा, इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, और साथ ही साथ जो आप इधर मटेरियल देख रहे हैं साथ में गोभी रखी हुई है, और हमने बीन्स ली हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है और हरी मिर्ची है, सारी चीज़ हम इसमें डालेंगे। जीरा हो चुका है ऑलमोस्ट, इसमें हम प्याज डालते हैं। प्याज मैंने 1 लिया है, 1 प्याज लिया मैंने। प्याज हमारे थोड़े हो चुके हैं इसमें, अब हम जो है इसमें मैंने थोड़े से जो है लहसुन लिया है, और मैंने हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है, डाल देते हैं। इसमें हम जो है गोभी डाल रहे हैं इसमें, ताकि साथ साथ में इसके बनते रहेगी। ये शिमला मिर्च है जो हम इसमें डाल रहे हैं, शिमला मिर्च, और ये जैसे मैंने बताया आपको बीन्स है, आप और भी कोई वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी गाजर है, गाजर में डालते हैं, इनको चलाएंगे, पकाएंगे बढ़िया इनको लो फ्लेम पे। तो गाइस सभी ऑलमोस्ट सब्जी हमारी हो चुकी है, इसमें हम नमक डालते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम रेड मिर्ची पाउडर डालेंगे अप्रॉक्स 1/2 स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा जो है 1/2 स्पून हम जो है इसमें धनिया पाउडर डालते हैं। अच्छे से चलाएंगे इनको, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट हो चुका है इन सब्जियों को बनते हुए। अब मैं इसमें जो है ये ग्रीन चिली सॉस डाल रहा हूँ, मैं अपने अंदाज से डाल रहा हूँ 1 चम्मच मैंने डाला है, और इसमें ये रेड चिली सॉस है वो भी मैं 1 चम्मच अप्रॉक्स डाल रहा हूँ, और ये सोया सॉस है जो 1 चम्मच ही डालूँगा, 1 चम्मच, और मेरे पास मैंने इसको निकाला नहीं है, मैं इसी में से डाल रहा हूँ 1 चम्मच अराउंड, ये भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, इसको थोड़ी देर में चलाऊँगा, टेस्टी सा हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा लोग फूड कलर भी ऐड करते हैं, बट मैं कोई इसमें फूड कलर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो सब्जियाँ हमारी हो चुकी हैं, अब हमें इसमें राइस ऐड करने हैं, तो मैं राइस इसमें डालता हूँ, ये मैं इसमें राइस डाल देता हूँ, राइस मैंने इसमें डाल दी, और अब इसमें लास्ट चीज़ जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा वो है लेमन, क्योंकि मैं इसमें विनेगर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेमन का यूज़ कर रहा हूँ। लेमन मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाएगा, इसको टेस्टी हमारे फ्राइड राइस तैयार होने वाले हैं।
आप कभी भी फ्राइड राइस तैयार कर सकते हैं नाश्ते वगैरह में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें। आपने देखा ही होगा 5-6 मिनट में तैयार होने वाले हैं। तो गाइज हमारे फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम जो है धनिया डालना था, हमें हरा धनिया हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा। अब बिल्कुल हमारे टेस्टी से फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं और हमें अब गैस बंद करने दो। थोड़ी सी देर हम इसको जो है स्टीम में रख देंगे और बढ़िया से हमारे फ्राइड राइस 2 मिनट में सर्व करके दिखा दें आपको। तो चलो अब इसको ओपन करते हैं और सर्व करते हैं आपके लिए बढ़िया से। ये देखो एकदम बढ़िया फ्राइड राइस, एकदम टेस्टी लग रहे हैं। इसको आप खाएंगे तो बिल्कुल टेस्ट आएगा। अब इसमें हम जो है सर्व कर चुके हैं और आपके लिए हल्का सा धनिया डालेंगे ऊपर से बिल्कुल। और अब ये तैयार है खाने के लिए और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना है आपका फ्राइड राइस। और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।